राधे राधे। तो प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे भाई? कोलोइडों के गुण पढ़ रहे थे, और इन गुणों में अपन ने भौतिक गुण पढ़ लिए, अणु संख्य गुणधर्म पढ़ लिया, भौतिक गुण पढ़ लिया, अणु संख्य गुणधर्म पढ़ लिया, यांत्रिक गुण पढ़ लिया, प्रकाशिक गुण पढ़ लिया, और आज अपन पांचवी प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ रहे हैं, वैद्युत गुण। ठीक है भाई, तो आज अपन इसकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, वैद्युत गुण पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ये कोलाइडों की प्रॉपर्टीज हैं पांच, इनमें से पांचवी जो प्रॉपर्टीज है वैद्युत गुण। तो अब अपन पढ़ रहे हैं क्या वैद्युत गुण। अब देखिए, वैद्युत गुण भी कौन कौन से हैं उनकी बात करें अपन। तो पहला तो है भाई आवेश, कोलाइड कणों पर चार्ज पाया जाता है। दूसरा इसका है वैद्युत कण संचलन, आवेश हो गया, वैद्युत कण संचलन हो गया, और भाई वैद्युत परासरण हो गया, वैद्युत परासरण हो गया। और चौथी प्रॉपर्टीज स्कंदन हो गया। तो वैद्युत गुण या जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज अपने पास चार हैं, चार्ज है, वैद्युत कण संचलन है, वैद्युत परासरण है, स्कंदन। एक एक पढ़ लें। पहला ले लेते हैं अपन चार्ज। कोलोइडी कणों पर आवेश, देखो भाई ये कोलाइडी विलयन है, और इस कोलाइडी विलयन में ये कोलाइडी कण है, और इन कोलाइडी कणों पर या तो प्लस चार्ज होगा या माइनस चार्ज होगा। सभी कणों पर, ध्यान देने वाली बात है कि सभी कणों पर समान आवेश होता है, चाहे वो प्लस हो और चाहे माइनस हो, सभी कणों पर समान चार्ज होता है। जिसके कारण क्या होगा, इस पर प्लस, इस पर प्लस, प्लस प्लस के बीच रिपल्सन, एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, प्रतिकर्षण है, और ये ही इन कणों के बीच प्रतिकर्षण इनके स्थायित्व का कारण है। तो आप एक बार ये बता दो बच्चों कि कोलाइडी विलयनों के स्थायित्व का कारण क्या है? तो कोलाइडी विलयनों के स्थायित्व का कारण है कोलाइडी कणों पर समान चार्ज, या तो सब पर पॉजिटिव होगा या सब पर नेगेटिव होगा, लेकिन चार्ज जरूर होगा, आवेश जरूर होगा। अगर इन पर आवेश नहीं होगा तो ये आपस में मिल जाएंगे, मिलके नीचे बैठ जाएंगे, जिसे आप बोलेंगे स्कंदन। तो अगर स्कंदन हो गया तो कोलाइडी विलयन स्थायी है ही नहीं भाई, तो स्कंदन नहीं हो। इसके लिए जरूरी है कि कोलाइडी कणों पर चार्ज होना चाहिए, या तो वो प्लस हो या माइनस हो। तो कुल मिलाकर बात यह, कोलाइडी कणों पर चार्ज होता है या तो प्लस या माइनस। अगर कोलाइडी कणों पर प्लस चार्ज है तो आप इसे बोलेंगे धनात्मक कोलाइडी विलयन, और अगर कोलाइडी कणों पर माइनस चार्ज है तो आप बोलेंगे उसे ऋणात्मक कोलाइडी विलयन। तो कुल मिला की बात यह है कि चार्ज के आधार पर कोलाइडी विलयन दो प्रकार के हो गए, एक हो गए भाई आपके पास धनात्मक कोलाइडी विलयन, और एक हो गए आपके पास ऋणात्मक कोलाइडी विलयन।
तो आपके पास विलयन हो गए धनात्मक और ऋणात्मक। मैं धनात्मक और ऋणात्मक के कुछ एग्जाम्पल बता दूं, और इसके लिए आपको ध्यान हो मैंने एक लाइन आपसे ये बोल रखी है कि आप इस लाइन को याद रखें, ही मे बी जल धातु हाई पीए सभी धन है, सभी धन है, ही मे बी जल धातु हाई पीए सभी धन है, यानी धनात्मक जो आपके पास एग्जाम्पल है उसमें पहला एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। पहला एग्जाम्पल क्या है भाई? हीमोग्लोबिन। केवल धनात्मक याद रखे हीमोग्लोबिन। इस मे बी को मैं छोड़ देता हूं थोड़ी देर के लिए, ये लेता हूं जल। जल का मतलब है, पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल है जल का मतलब है जल योजित ऑक्साइड। जल योजित ऑक्साइड का मीन्स यहां है Al2O3.XH2, Fe2O3.XH2, ये जलयोजित ऑक्साइड है। धातु हाई का मतलब है तीसरा एग्जाम्पल धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड, और धातु हाइड्रोक्साइड यहां आपके पास है FeOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस, या PA का मीन्स है प्रोटीन का एसिडिक सॉल्यूशन। प्रोटीन का अम्लीय विलयन। अब ले लूं मे और बी। मे का मीन्स है मेथिलीन ब्लू, मेथिलीन ब्लू। इस बी का मतलब बिस्मार्क ब्राउन, बिस्मार्क ब्राउन। ये आपके पास हो गए धनात्मक भाई। हीमोग्लोबिन, मेथिलीन ब्लू, बिस्मार्क ब्राउन, जलयोजित ऑक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड, प्रोटीन का एसिडिक सॉल्यूशन, सभी धनात्मक के एग्जांपल है। और बंधुओं अब जो बच गए वो सारे के सारे ऋणात्मक कोलोइड होंगे। तो आपको केवल याद रखना बस ही मे बी। वो क्या करता है पेपर में, ये कहता आपसे कि इनमें से धनात्मक ऋणात्मक छांटो, आप एक लाइन याद करके जाएं पेपर में, बस ही मे बी जल धातु हाई पी ये सब धन है। तो ऋणात्मक के एग्जांपल क्या क्या बच गए भाई? पहला एग्जांपल बच गया आपके पास धातु सोल। धातु सोल में आपके पास ए जी है, पी टी है, ए यू है, इनके सोल आ जाते हैं। मतलब जो भी बच गए रहे धातु सल्फाइड, धातु सल्फाइड का मीन्स आपके पास यहां है As2S3 है, कैडमियम सल्फाइड है, ये सारे के सारे। बादल है, कोहरा है, नदी का पानी है, मतलब जो भी बच जाते हैं ना भाई, अब जो भी नाम आ गया पेपर में समझ लेना वो ऋणात्मक है। तो धनात्मक तो आप केवल याद रखें ही में भी जल धातु हाई पी सब धन है, बाकी जो पेपर में आएगा वो समझ लेना वो कौन सा है ऋणात्मक है, पेपर में आएगा जो, ठीक है, बाकी सब क्या होंगे ऋणात्मक होंगे। तो ये तो आपके पास धनात्मक हो गए, ये आपके पास ऋणात्मक हो गए। मैं आपसे कह रहा था कि वो पेपर में ऐसे पूछता है भाई कि धनात्मक ऋणात्मक छांटो, और प्रश्न ऐसा दे दिया कि भाई धनात्मक ऋणात्मक आपको छांटना है, और उसके लिए ये मान लो आपको उसने प्रश्न बना के दे दिया कि ये लो साहब इनमें से छांटो, पूरा प्रश्न दे दिया कि इनमें से आपको छांटना है धनात्मक व ऋणात्मक कोलोइड छांटे। ये लो, ये राजस्थान बोर्ड का आपके पास प्रश्न है, धनात्मक ऋणात्मक छांटना बड़ा आसान है। एक लाइन याद रखे हिमे भी जल धातु हाई पीए सब धन है, आप आराम से छांट लेंगे, ठीक है। आगे चले भाई, ये आपके पास हो गया कि कोलाइडी कणों पर या तो
पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, और वो ही समान चार्ज उनकी स्टेबिलिटी का रीजन है। अब बात ये है कि ये जो आवेश उत्पन्न हुआ है, ये आवेश उत्पत्ति का कारण क्या है, इसके ऊपर चार्ज उत्पन्न हुआ, क्या कारण था किसके ऊपर चार्ज आ गया, एक एक रीजन बताता हूं। पहला रीजन है भाई घर्षण। घर्षण किस किस के बीच, ध्यान दें, यहां ये आपके पास एक कोलाइडी विलयन है और इस कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण है। दो चीज हो गई, ये आपके पास हो गया परिक्षिप्त प्रावस्था, और ये जो कण आपके पास होंगे ये हो गए परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों साथ साथ है, साथ साथ होते हैं तो भैया उनमें घर्षण होगा, और इसी घर्षण के कारण इन पर चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। परिक्षिप्त प्रावस्था कोलाइडी कणों पर चार्ज उत्पन्न हो जाएगा घर्षण के कारण। फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं कि साहब इस छड़ को कपड़े से रगड़ो, बाल से रगड़ो, बिल्ली की खाल से रगड़ो, चिंपैंजी की नाक से रगड़ो, चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो घर्षण के कारण ये जो कोलाइडी कण है, इन कोलाइडी कणों पर चार्ज उत्पन्न हो जाता है। पहला हो गया घर्षण, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं भाई, ये दूसरा आ गया लो। दूसरा चार्ज का कारण है पृष्ठीय अणुओं का विघटन। पृष्ठीय अणुओं का विघटन, पृष्ठीय अणुओं का विघटन से क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है? आपके पास C17H35COONA ये साबुन है, और इस साबुन को जब आप मिसेल बना रहे थे तो एक किस में टूटा था भाई, C17H35COO- में और Na+ में। तो ध्यान रखना ये Na+ तो चला जाता है परिक्षेपण माध्यम में, Na+ तो कहां चला जाता है बोलो, परिक्षेपण माध्यम में, और ये जो C17H35COO- है ये आपको पता है बनाता है मिसेल। क्या बनाता भाई, मिसेल। मिसेल यहां यह साबुन वाली मिसेल है, ध्यान रखना, एक मिसेल मिसेल ओबामा भी थी अमेरिका वाली, ठीक है, तो वो नहीं बनाता, यहां यह साबुन वाली मिसेल बनाता है। कैसे बनाता है कि ये जो C17H35COO- है, ये C17H35COO- पर माइनस चार्ज है, और आपको पता था इसने मिसेल कैसे बनाई थी। मिसेल फॉर्मेशन का जो वीडियो था उसमें आपने ये चीज पढ़ ली थी भाई, बार बार बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वक्त बहुत खराब है, वक्त बहुत कम है, ठीक है। तो ये जो चार्ज है, इन पर चार्ज कैसा बताएं, नेगेटिव चार्ज है हेड पर। तो ये जो आपके पास कोलाइडी पार्टिकल बन गया भाई, इस कोलाइडी पार्टिकल पर चार्ज कैसा जनरेट हुआ, कैसा उत्पन्न हुआ, नेगेटिव ना, तो कोलाइड कण पर नेगेटिव चार्ज आ गया, मिसेल बन गई, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये आ गया आपके पास पृष्ठीय अणुओं का विघटन, तो इसका विघटन हुआ जिसके कारण कोलाइडी कण पर नेगेटिव चार्ज आ गया। दूसरा आपने पढ़ लिया पृष्ठीय अणुओं का विघटन, पहला पढ़ लिया था घर्षण, दूसरा पृष्ठीय अणुओं का विघटन, और बंधुओं तीसरा ले लेते अपन एक मिनट, वर्णात्मक अधिशोषण। ये गलत हो रहा भाई, वर्णात्मक अधिशोषण। तो तीसरा जो रीजन है वो है भाई वर्णात्मक अधिशोषण। अधिशोषण का मतलब तो आप जानते हो, बैठना होता है, ठीक है। क्या मतलब है इसका, बड़े ध्यान से समझें। मेरे पास एजी अनुथ्री है, ठीक है, और इस एजी अनुथ्री की रिएक्शन मैंने KI के साथ करवाई, तो भैया रिएक्शन क्या हुई, AGI बन गया।
एजी आई बन गया। अब ये एजी आई का पीड़ा अवक्षेप बनता है जो नीचे बैठ जाता है। अब अगर मान लो मैं दो बात आपसे करूं कि यदि मान लो मैंने के आई को एक्सेस में रखा, अवक्षेप बड़ा है, ध्यान रखना नीचे बैठ जाएगा, अवक्षेप बड़ा है नीचे बैठ जाएगा। अब ये जो नीचे बैठा हुआ अवक्षेप है इसमें मैंने के आई एक्सेस में डाल दिया, के आई ज्यादा डाल दिया मतलब, तो अब जो परिक्षेपण माध्यम है या पानी है ऊपर का उसमें के प्लस रहेगा आई माइनस रहेगा, यानी ये जो ए जी आई है इस ए जी आई, ये रहा ए जी आई, ये जो ए जी आई का अवक्षेप है इस ए जी आई के सामने अब दो ऑप्शन है, एक तो के प्लस है और एक आई माइनस है। ए जी आई का जो अवक्षेप है उसके सामने दो ऑप्शन है, एक के प्लस एक आई माइनस। ये जो ए जी आई है ये एजी आई, ये रहा के प्लस है वो ये रहा, आई माइनस है ये आई माइनस है वो ये रहा। अरे भाई ये रहा K प्लस है वो ये रहा भाई, फिर दोबारा सुने, एजी अनु थ्री मैंने KI डाला, एजी आई बना। अब इस एजी आई में अगर मैं KI एक्सेस में डालता हूं, ज्यादा डालता हूं, तो इस एजी आई के सामने दो ऑप्शन है, एक K प्लस और I माइनस। अब ये जो एजी आई है वो अपने ऊपर किसको बिठाएगा, अपने ऊपर किसको बिठाएगा, दो उसके सामने, एक के प्लस एक आई माइनस, गुरु और गोविंद दो खड़े का के लागु पाए, तो ये किसके पांव लगेगा भाई, किसके पांव में जाके पड़ेगा, किसको अपने ऊपर बिठाएगा, कौन बताएगा? मैं ही बताऊंगा भाई, गुरु ही बताएगा। तो ये गुरु ये बताता है कि ये AGI इन दोनों में से अपने ऊपर किसको बिठाएगा, तो बंधुओं बिठाएगा उसको जिसको ये जानता है कॉमन होगा। आपका घर रास्ते में है, कोई जा रहा है रास्ते में से, आप ऐसा थोड़ी ना हर आदमी कहेंगे आ जाओ भाई सब चाय पी लो, भैंस जा रही है आ जाओ बहन जी चाय पी लो, गाय जा रही है बहन जी चाय पी लो, नहीं। तो ये आदमी है, आदमी को बिठाएगा भाई, आदमी है, इस ढांडे को थोड़ी बिठाएगा घर की आजा ढांडा चाय पी ले, ठीक है। तो ये एजीआई इस आई माइनस को अपने ऊपर बिठाएगा, क्यों? रीजन ध्यान से देखें, यहां भी आई है और यहां भी आई है, कॉमन है, तो कॉमन आयन को अपने ऊपर बिठाएगा, इसके प्लस को अपने ऊपर नहीं बिठाएगा, सही है। तो ये एजीआई अपने ऊपर के प्लस और आई माइनस में से आई माइनस को अपने ऊपर बिठा लेगा, के प्लस को नहीं बिठाएगा, क्योंकि के प्लस को जानता ही नहीं, कॉमन नहीं है, जानता ही नहीं, जानता नहीं तो बिठाएगा नहीं, पता नहीं क्या अजीब जानवर है, नहीं बिठाएगा भाई, इसको बिठाएगा आदमी लग रहा है आजा भाई साहब चाय पी, ठीक है। तो हुआ क्या, इस एजीआई ने आई माइनस को अपने ऊपर बिठा लिया बंधुओं, ये आपके पास है क्या AGI, और इसने अपने ऊपर किसको बिठा लिया भाई, I माइनस को बिठा लिया, और इस I माइनस को बिठाने के बाद ये जो पार्टिकल बना है, इस पार्टिकल पर चार्ज आप देखेंगे तो ऋणात्मक चार्ज है, और ये बन गया आपके पास ऋणात्मक कोलॉइड। तो ध्यान रखना, अगर आप KI एक्सेस में डालते हैं तो ये I माइनस को अपने ऊपर बिठाएगा, और यहां पर जो बनने वाला पार्टिकल है वो ये होगा AGI I माइनस ऋणात्मक कोलाइड। अब अगर मान लो कंडीशन दूसरी है, ये तो आ गया भाई, ये AGI किसको जानता है, जिसको जानता है उसको अपने ऊपर बिठा लिया सर आंखों पर, लेकिन अगर मान लो नहीं जानता तो उसको नहीं बिठाएगा भाई। अब दोनों एक चीज और, अगर मान लो सपोज मैं यहां AgNO3 एक्सेस में डालता तो अब इसके सामने दो जने वही खड़े हैं, एक Ag प्लस वन खड़ा है, एक NO3 माइनस वन खड़ा है। अब आपको पता चल गया होगा
कि ये एजीआई इन दोनों में से अपने ऊपर किसको बिठाएगा, किसके पैरों में जाके पड़ेगा। जिसको जानता है, जो कॉमन है। कॉमन कौन सा है? यहां भी एजी है, यहां भी एजी है। तो ध्यान रखना, ये एजीआई अपने ऊपर एजी प्लस को बिठाएगा। ये एजीआई अपने ऊपर किसको बिठाएगा भाई? एजी प्लस वन को बिठाएगा। और इस एजी प्लस वन को बिठाने से इस कण पर चार्ज पॉजिटिव आ गया। एजी आई और किसको बिठा लिया बताओ? एजी प्लस वन को। और इस पर चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया। कितना अच्छा वर्ड है पॉजिटिव, लेकिन आजकल बड़ा डर लगता है इस पॉजिटिव से। ठीक है, तो यहां पर बन गया ऋणात्मक कण और यहां बन गया धनात्मक कण। पहले हर आदमी कहता था कि भाई पॉजिटिव सोच रख, पॉजिटिव सोच रख, पॉजिटिव सोच रख। आज तो कह दू ना भाई पॉजिटिव, दूर भाग जाएंगे पॉजिटिव है। तो ये आ गया भाई क्या? वर्णात्मक अधिशोषणीयन। कुल मिला की बात यह है कि ये जो अवक्षेप है, ये अवक्षेप इन दोनों आयनों में से उस आयन को अपने ऊपर बिठाएगा, उस आयन का वर्णात्मक अधिशोषण करेगा जो कॉमन होगा। और ध्यान दें, यहां कॉमन है आई और यहां कॉमन है एजी। पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया? तो पहला एग्जाम्पल अगर समझ में आ गया तो मैं आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं कि सपोज आपके पास FeCl3 है, आपने इसका जल अपघटन करवाया तो FeOH का होल थ्राइस अवक्षेप बन गया और उसके बावजूद भी आप FeCl3 डालते रहे, तो बताएं कॉमन कौन सा है? Fe कॉमन है, Fe को अपने ऊपर बिठा लेगा। तो ये FeOH का होल थ्राइस अपने ऊपर Fe प्लस तीन को बिठा लेगा, धनात्मक कोलाइडी कण बन जाएगा। आपके पास आर्सेनिक ऑक्साइड है, आर्सेनिक ऑक्साइड में आपने H2S गैस पास की थी, As2S3 आर्सेनिक सल्फाइड बन गया। और भाइयों, अगर ये जो H2S गैस है ये आप लगातार पास करते रहेंगे तो बताएंगे आप कॉमन कौन सा है? इस आर्सेनिक सल्फाइड से H2S में कॉमन है S-2, तो S-2 को ये अपने ऊपर बिठा लेगा, ये अपने ऊपर बिठा लेगा बंधुओं, किसको? S-2 को। ऋणात्मक कोलाइडी कण बन जाएगा। एक एग्जांपल और दे दूं अगर आपकी आज्ञा हो तो, ये जो AlCl3 है इसका वही जल अपघटन करवाऊं मैं, AlOH का होल थ्राइस बन गया भाई। और अगर मान लीजिए अभी भी आप AlCl3 एक्सेस में डालते हैं तो कॉमन Al प्लस है, तीन है, और ये AlOH का होल थ्राइस अपने ऊपर Al प्लस तीन को बिठा लेगा, धनात्मक कोलाइडी विलयन, ऋणात्मक कोलाइडी विलयन, और ये धनात्मक कोलाइडी विलयन। तो अपने ऊपर अवक्षेप अपने ऊपर कौन से आयन को बिठाएगा? तो कॉमन होगा, उसी आयन का वर्ण करेगा, सिलेक्शन करेगा जिसको ये जानता है, इसलिए इसको कहा जाता है भाई वर्णात्मक अधिशोषण। उस आयन का अपने ऊपर अधिशोषण करेगा जिसको ये जानता है। ठीक है, तो बात ये देखें कि ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है ये अपने ऊपर Fe प्लस तीन को बिठा रहा है, इससे होगा क्या? ये FeOH का होल थ्राइस अपने ऊपर, बताएं किसको बिठा लिया इसने? इसने अपने ऊपर Fe प्लस तीन को बिठा लिया, और इस Fe प्लस तीन को बिठाने के बाद इसके ऊपर चार्ज धनात्मक आ गया भाई, और इस धनात्मक चार्ज के कारण इसे आप कहेंगे धनात्मक कोलाइडी विलयन, और इसे कहेंगे आप स्थायी परत। तो ये आपके पास भाई बन गई स्थायी परत या फिक्स्ड लेयर। अब बच गया कौन? Cl माइनस बचाना भाई। भाई फेरिक हाइड्रोक्साइड में गौर करना, आपने FeCl3 डाला था तो Fe तो बैठ गया, बच गया कौन? Cl माइनस। तो ये Cl माइनस कहां है? अब Cl माइनस की कंडीशन भी आपको मैं बता देता हूं भाई, ये Cl माइनस रहा, तो ये Cl माइनस बाहर की साइड एक लेयर बना लेता है जिसे आप
बोलेंगे विसरित परत, विसरित परत। तो ध्यान रखना दो परत बन जाती है, एक फिक्स्ड लेयर बन जाती है, एक डिफ्यूज लेयर बन जाती है अवक्षेप के ऊपर। मैं यहां हेल्महोल्ट्ज द्विक परत सिद्धांत की बात करूं तो इस सिद्धांत के अनुसार यहां पर दो लेयर बन जाती है, एक स्थाई परत बन जाती है और एक विसरित परत बन जाती है। यह जो स्थाई परत है, इस स्थाई परत के ऊपर चार्ज कैसा है भाई? पॉजिटिव है। और दूसरी जो लेयर बनी उसके ऊपर है नेगेटिव। दूसरी परत कौन सी? विसरित परत। तो एक पर नेगेटिव चार्ज है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, प्लस माइनस हो गया, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और इस विभवांतर को यहां पर आप जीटा विभव बोलते हैं भाई। तो ध्यान रखना दो परत बन जाती हैं, एक स्थाई परत बनती है, एक विसरित परत बनती है, और इन दोनों के बीच जो विभवांतर है उसको आप जीटा विभव बोलेंगे। और यह बन गया आपके पास धनात्मक कोलाइडिक कण, ठीक है। और यह हो गया आपके पास हेल्महोल्ट्ज का द्विक परत सिद्धांत, और यह हो गया जीटा विभव। तो यह आपके पास हो गया पहली जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कि कोलाइडिक कण पर चार्ज होता है, चाहे वो प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो, और वही चार्ज उसकी स्टेबिलिटी का रीजन होता है। दो परत बन जाती है, एक स्थायी परत बनती है और एक विसरित परत बनती है। और ये उस आयन को अपने ऊपर बिठाएगा जो कॉमन होगा, ये Fe कॉमन है भाई, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास पहली प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिकल चार्ज, विद्युत आवेश, और विद्युत आवेश की उत्पत्ति का कारण घर्षण है, वर्णात्मक अधिशोषण है, पृष्ठणुओं का विघटन है। आगे चले, दूसरा जो इसका वैद्युत गुण है वो है भाई वैद्युत कण संचलन, वैद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी वैद्युत कण संचलन क्या है? मान लीजिए आपके पास कोई भी कोलाइड विलयन है, मैं आपको ला के दे दूं कि ये कोलाइड विलयन ले भाई और इस पर बता चार्ज कैसा है, प्लस चार्ज है माइनस चार्ज, अर्थात ये जो कोलाइड विलयन मैंने आपको दिया है वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पता कैसे चलेगा? पहले सैंपल लेंगे, फिर रिपोर्ट जाएगी, फिर रिपोर्ट आएगी, तब पता चलेगा कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहां पर भी बात वही है कि मैंने आपको एक सैंपल दिया कोलाइड विलयन का, और इस कोलाइड विलयन के सैंपल में आपको यह बताना है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो ध्यान रखना मैं आपको यह बता रहा हूं कि कोलाइड विलयन धनात्मक है या ऋणात्मक है। कैसे बता रहा हूं, कैसे पता चलता है कि दिया गया कोलाइड विलयन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो होता है क्या भाई, एक इस प्रकार से कांच की नली होती है, और इस कांच की नली में होता क्या है कि यहां पर इसको पॉजिटिव से जोड़ रखा है, एक प्लेट है जिसको मैंने पॉजिटिव से जोड़ दिया, पॉजिटिव मींस एनोड से जोड़ दिया, और यहां मैंने इसको नेगेटिव से जोड़ दिया, नेगेटिव मींस कैथोड से जोड़ दिया, ठीक है, नेगेटिव। और अब मैं क्या करता हूं, एक कांच की नली है जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, और मैं इसमें अब क्या करता हूं भाई, जो भी कोलाइड सॉल्यूशन आपके पास है उस कोलाइड सॉल्यूशन को मैं इसमें भर देता हूं, ये कोलाइड सॉल्यूशन, और कोलाइड सॉल्यूशन को आपने इसमें भर दिया, और ये जो कोलाइड सॉल्यूशन है इस कोलाइड सॉल्यूशन में ये जो कोलाइड कण है, ये कोलाइड कण है। अब इन कोलाइड कणों पर चार्ज का मुझे नहीं पता, दोबारा बताएं इंस्ट्रूमेंट आपने क्या सेट किया भाई,
क्या उपकरण सेट किया? कांच की नली ली और कांच की नली में कोलाइड विलयन भर दिया, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, धारा प्रवाहित होने दो। अब फिर दोबारा सुने, कोलाइड विलयन पर चार्ज का पता लगाना हो तो मैं ये इंस्ट्रूमेंट काम में लूंगा। एक कांच की नली है जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, कोलाइड विलयन भर के मैंने धारा प्रवाहित कर दी। अगर मान लीजिए कण मूव कर रहे हैं किधर? एनोड की तरफ। कण किधर जा रहे हैं भाई? एनोड की तरफ। एनोड पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। इसका मींस कण पर नेगेटिव होगा। कण पर कैसा होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ध्यान रखना, अगर कण एनोड की तरफ मूव करते हैं तो समझ लेना कण पर चार्ज नेगेटिव है, अर्थात कोलाइड विलयन ऋणात्मक है। और अगर मान लीजिए सपोज कण मूव कर रहा है कैथोड की तरफ, ध्यान से समझे, कैथोड पर चार्ज नेगेटिव है, तो इसका मतलब इस कण पर चार्ज पॉजिटिव होगा। कण पर चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो कण किधर गति करके जा रहे हैं इससे आप बता सकते हैं कि उस पर चार्ज कैसा है। अगर कण एनोड की तरफ जाएंगे तो कण पर नेगेटिव है, कण कैथोड की तरफ जाएंगे तो कण पर पॉजिटिव है। कण की गति के आधार पर आप उस पर चार्ज बता सकते हैं। मान लो मेरे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल है, या फिर मैं कहूं आर्सेनिक सल्फाइड का सोल है, और आपसे पूछा जाए कि वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर बताएं कण किधर जाएंगे, तो ध्यान रखना ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल है इस पर धनात्मक चार्ज था, कैथोड पे जाएगा भाई, कैथोड पे जाएगा। आर्सेनिक जो सल्फाइड सोल है उस पर ऋणात्मक चार्ज था, ऋणात्मक चार्ज है तो ये एनोड पे जाएगा, ये लो। तो कौन किधर जाएगा ये पता लगता है, कोलाइडी जो कण है उन पर चार्ज कैसा है इसका पता लगा सकते हैं आप विद्युत कण संचलन प्रक्रिया द्वारा। इस प्रोसेस में आप ध्यान से देख लें कि यहां पर इस विद्युत कण संचलन में कोलाइडी कण गति करेंगे। ध्यान रखना ये कोलाइडी कण जाएंगे या तो एनोड की तरफ या कैथोड की तरफ। और अगर मान लो मैं यहां पर अगली प्रोसेस आपको बता दूं, अगर मैं कोलाइडी कणों का मूवमेंट न देखना चाह रहा, मिटा दिया वापस आ गया, है ना कमाल की बात। देखो वैद्युत कण संचलन है, इस वैद्युत कण संचलन को यहीं की रहने देता हूं। अगला मैं यहां पर पन्ना ले लेता हूं और अगले पन्ने पर मैं आपको थर्ड चीज बता रहा हूं भाई, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, वैद्युत परासरण, दोनों को एक साथ अपन कंपैरिजन करेंगे। वैद्युत परासरण क्या है तो ध्यान से देखिए, वैद्युत परासरण क्या होगा भाई, ये आपके पास एक कांच की नली है, इस कांच की नली में यहां मैं एक इस प्रकार से इसमें एक कोलाइडी विलयन में भर देता हूं, कोलाइडी विलयन है भैया, और ये मैंने लगा रखी है पता है क्या, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली को अंग्रेजी में कहते हैं SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। और भाई और देखो, इसको इस साइड से बंद कर दिया और बंद करने पर यहाँ मैंने लगा दिया क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मीन्स इसको जोड़ दिया मैंने नोड से, और यहाँ लगा दिया मैंने क्या, नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स कैथोड से, और ये बढ़िया कोलाइड। तो देखो डायग्राम को ध्यान से देखेंगे आप तो इस डायग्राम में ये कोलाइड विलयन है, दोनों साइड मैंने अर्धपारगम में झिल्ली लगा दी है, ऊपर से मैं कोलाइड विलयन इसमें डालता जाऊंगा, ठीक है। और इसमें यहां पर जो भरा हुआ है ना भाई, वो इसमें पानी भरा हुआ है, ये डायग्राम है कोलाइड विलयन, अर्धपारगम्य झिल्ली,
पानी, इलेक्ट्रोड। ये जो एसपीएम है वो अपनी जो स्किन है वो एसपीएम है, अर्धपारगमी झिल्ली है, इसमें से पसीना निकल करके जरूर आ सकता है, रुधिर के कण बाहर नहीं निकल सकते। तो यानी ये जो एसपीएम, इस एसपीएम में से ये जो कण है ये कण बाहर नहीं निकल सकते, कोलाइडिक कण बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि इनका साइज बड़ा है। तो बाहर क्या निकलेगा भाई, परिक्षेपण माध्यम बाहर निकलेगा, ध्यान रखना। और वो परिक्षेपण माध्यम किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा, इस बात को आप थोड़ा ध्यान से समझें। मैं एक रिएक्शन आपको यहां लिख रहा हूं, ध्यान देना। आपने क्या किया था भाई कि FeOH के होल थ्राइस में आपने FeCl3 डाला था, तो FeCl3 डालने पर क्या बना था, FeOH का होल थ्राइस, और इसने Fe+3 को अपने ऊपर बिठा लिया था, +3Cl-। तो ये चार्ज तो आ गया किस पर, कोलाइडिक कण पर। तो कोलाइडिक कण पर चार्ज तो कैसा है, गौर करें, पॉजिटिव। और ये जो Cl- है, ये Cl- चला जाता है भाई परिक्षेपण माध्यम में, कहां चला जाता है, परिक्षेपण माध्यम में। तो गौर करने वाली बात ये है कि कोलाइडिक कण पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो परिक्षेपण माध्यम पर नेगेटिव चार्ज होगा। कण पर अगर पॉजिटिव है तो माध्यम पर नेगेटिव होगा, कण पर नेगेटिव है तो माध्यम पर पॉजिटिव चार्ज होगा, अर्थात अपोजिट चार्ज होता है परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था पर। ठीक है, इसका मतलब पूरा जो कोलाइडिक सोल है वो न्यूट्रल हो गया, एक पर पॉजिटिव पर नेगेटिव, न्यूट्रल, सही है। तो ध्यान दें, कण पर पॉजिटिव है तो परिक्षेपण माध्यम पर नेगेटिव। अब बात करें यहां पर कि चलो ये लिया मैंने फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल, मैंने यहां भर लिया, तो कण पर तो चार्ज कैसा है, ध्यान करें, पॉजिटिव। और ये जो परिक्षेपण माध्यम यहां भरा हुआ है, इस माध्यम पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि एसपीएम में होकर कैसे ये कण तो जा ही नहीं सकता, परिक्षेपण माध्यम तो जा सकता है भाई। अब परिक्षेपण माध्यम पर नेगेटिव चार्ज है तो बताओ ये किधर जाएगा, अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा भाई। परिक्षेपण माध्यम पर नेगेटिव चार्ज है तो ये एनोड की तरफ मूव करेगा, मूवमेंट ध्यान रखें किधर होगा, ये लो एनोड की तरफ मूव कर रहा है, कौन, परिक्षेपण माध्यम। क्यों, क्योंकि परिक्षेपण माध्यम पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए एनोड की तरफ मूव करेगा। पिछला जो डायग्राम था, उस पिछले डायग्राम में आप देखें तो पिछले डायग्राम में यहां पर कण गति कर रहे थे, कोलाइडी कण गति कर रहे थे, ध्यान रखना, विद्युत कण संचलन में। और अब अगर आप देखेंगे तो अब परिक्षेपण माध्यम गति कर रहा है, तो ध्यान रखना परिक्षेपण माध्यम गति करता है तो आप इसे विद्युत परासरण कहेंगे, और अगर कोलाइडी कण गति करता है तो आप इसे विद्युत कण संचलन कहेंगे। दोनों में कुछ अंतर समझ में आया कि नहीं, विद्युत कण संचलन में गति कौन करता है, कोलाइडी कण, और ज्यादा पीछे चले गए भाई, और अगर परिक्षेपण माध्यम गति करता है तो आप इसे विद्युत कण परासरण कहेंगे। पॉजिटिव है परिक्षेपण माध्यम, नेगेटिव, अगर कण नेगेटिव होता तो परिक्षेपण माध्यम पॉजिटिव होता, और परिक्षेपण माध्यम अगर पॉजिटिव है तो वो कैथोड की तरफ गति करता भाई। ठीक है, लाइट भी चली गई और अपना लेक्चर भी खत्म हो गया। ठीक है, तो आपने यहां क्या क्या चीजें पढ़ी भाई, विद्युत आवेश में आपने क्या क्या पढ़ा, विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में विद्युत जो गुण है उसमें क्या क्या पढ़ा आपने, पहला गुण पढ़ लिया आपने कौन सा भाई कि कोलाइडिक कणों पर चार्ज, दूसरा आपने पढ़ लिया विद्युत कण संचलन, और तीसरा पढ़ लिया विद्युत परासरण, और चौथा स्कंदन या कोएगुलेशन। कल अपन एक वीडियो लेकर हाजिर होंगे जिसमें अपन स्कंदन टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, और आप सभी से भी मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर कि आप घर रहें, सुरक्षित रहें, किसी प्रकार की नादानी न करें, जब भी आपको घर से बाहर निकलना हो मास्क लगाकर जरूर निकलें। धन्यवाद।